लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे 8 बज गए, ये उठ जाएंगे। मैं चाय रख देती हूँ। अरे आस्था, ये क्या कर रही हो बेटा? चाय मैं बनाऊंगी मम्मी जी। लेकिन आस्था, तुम आज तक हम सबके लिए आपने बहुत कुछ कर लिया मम्मी जी, घर के लिए मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। लेकिन बेटा, आज तो तुम्हारी शूटिंग भी है ना। अगर आपने शूटिंग के साथ साथ घर नहीं संभाला होता तो ये घर बेहाल हो जाता। अगर आप दोनों जिम्मेदारियां निभा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। एक बात बोलो मम्मी जी। बोलो बेटा। आज से 7 साल पहले जिसने इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी, तब पहली और आखिरी बार मैंने आपके पांव छुए थे। क्या मैं आज फिर आपके पांव छू सकती हूँ मम्मी जी? ये बाप बेटे दोनों को तो असम में पैदा होना चाहिए था। मारती चाय लाओ। अरे चाय लाओ ना। ला रही हूँ बाबा। दीजिए। यहीं रख दो, मैं खुद ले लूँगा। बेटा जरा टोस्ट देना। मैंने कहा ना, मैं खुद ले लूँगा। अरे गार्गे कहाँ गई? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डियर। कहीं बाहर जा रहे हो बेटा? हाँ, इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर समीर के पास लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। और आज शाम को हमने अपनी रिलेशनशिप अनाउंस करने के लिए एक पार्टी भी रखी है। आप सब लोग इनवाइटेड हैं? हाँ हाँ बेटा, आप जरूर आएंगे। दोस्तों, आप सबके लिए हमारा ये रिश्ता महज एक लिव इन रिलेशनशिप होगा, और मेरे लिए ये रिश्ता 7 जन्मों का बंधन है। गार्गी इज माई लाइफ, मेरी जिंदगी है गार्गी। Everything's all right, na? Yeah, I'm fine. Gargi, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ Gargi को? क्या हुआ? पता नहीं अचानक बेहोश हो गई है। इसे अस्पताल ले चलो। मेरे फ्रेंड को हॉस्पिटल है यहीं पास में, वहीं लेके चलते हैं। हाँ, चलो। Gargi को जल्दी ले चलें प्लीज। नानी, लग रही है ना एकदम रियल हॉस्पिटल? हमने फिल्म शूटिंग वालों से ली है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन Gargi पिछले 6 घंटे से बेहोश है। तूने कितनी गोलियां डाली थी उसके ड्रिंक में? नानी, तूने एक बोली थी, मैंने जोश में आके 3 डाल दी। क्या तुम मार दिया मुझे? अच्छा Gargi, वाह सुपर कूल। गेटअप तो बढ़िया है, लेकिन तुम लोग को डायलॉग याद है ना क्या बोलना है बम्बू? ओ, मेरे को तो सारे डायलॉग याद है चुन्नी जी, लेकिन आप भूल गए कि मैं बम्बू नहीं डॉक्टर झंडू सिंह हूँ यार। ये मॉम मन, Gargi को होश आ गया है, जल्दी चलो। बेबी यू फीलिंग ऑलराइट ना? क्या हुआ मेरी बेटी को डॉक्टर साहब? बढ़िया साहब, आपकी बेटी को एक बहुत ही मनहूस और मायूस बीमारी हो गई है। क्या मतलब? इसके दोनों ब्रेन्स, इसके दोनों किडनियां फेल हो गई हैं जी। डोंट वरी बेबी, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। बढ़िया साहब, आपकी बेटी की जान को खतरा है, इनकी किडनी को ट्रांसफर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप में से किसी को अपनी किडनी इनको डोनेट करनी पड़ेगी, वक्त बहुत कम है। मुझे देखना पड़ेगा कि किसकी किडनी इनके साथ मैच करती है। लेट्स गो, प्लीज फॉलो मी। सब अपनी अपनी किडनी लेकर आ जाइए।
First donor, please. Next. 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 अरे चलना अंदर यार. अरे मैं. Next. यमराज आप क्या क्या कर रहे हैं? मिर्ची रन की शूटिंग कहाँ हो रही है? मैं शूटिंग साथ वाले सेट पे हो रही है, वहाँ जाओ ना। ओके। ओके। नेक्स्ट। जाना जाता, यमराज आ गया था। डैड। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मुबारक हो। किडनी मैच हो गई यार। किसकी? मिस्टर समीर टंडन की। आप इसे समीर टंडन कौन है? Congratulations! Wow! Now that's real love. दिल से दिल मिली तो किडनी से किडनी कैसे नहीं मिलेगी? यार ये सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप खुश नजर नहीं आ रहे। अच्छा आप इनकी हस्बैंड हो? नहीं, वेल इनकी फुल टाइम हस्बैंड नहीं है, पार्ट टाइम हस्बैंड है। पार्ट टाइम हस्बैंड क्या होता है? वेल इनकी लिव इन पार्टनर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये गाड़ी के मालिक नहीं है, ड्राइवर है। बिना प्रीमियम की पॉलिसी है, करवा चौथ नहीं भरवा चौथ है, मंगलसूत्र नहीं कामसूत्र है। क्या बोल रहे हैं आप? I really like living relationships. प्यार है तो कटी पतंग, खत्म हो गया तो फटी पतंग। डॉक्टर साहब अभी आप बताएंगे कि इनकी करनी क्या है? करनी क्या है यार, इनका कलेजा, मेरा मतलब इनकी किडनी बाहर निकालनी है बस, और क्या। Come on, pick it on, come on. I'm sorry. Come on, kidney donor. तो पकड़ के लाओ यार, बड़े नर्वस लग रहे हैं। ले आओ इनको। कम कम मौसा जी, कम। समीर टंडन जी, बाहर बाहर निकालो। हाँ जी, आप पूछो, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, एक किडनी देने से क्या होगा? गार्गी बच जाएगी, और क्या होगा वो? और मैं, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका? भाई देखो, एक स्कूटर होता है, उसके दो पहिए होते हैं, एक पहिया बाहर निकाल दो तो स्कूटर कैसे चलेगा? खड़ 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 खड़, वैसे ही आपकी जिंदगी चलेगी, खड़ 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 खड़। यार लेट जाना यार, एक बात बताओ, स्पोर्ट्स खेलते हो? कौन सी? वो फुटबॉल। अब फुटबॉल सिर्फ मोबाइल पे खेलना, ग्राउंड पे खेलना बंद। क्यों भाई? ग्राउंड में खेलोगे तो फुटबॉल जैसी सूजन आ जाएगी ना यार। कहाँ? वहाँ। और लेट जा यार, लेट जा, डोंट वरी। डॉक्टर साहब, मेरी मर्दानगी का क्या होगा? डॉक्टर साहब, भाई मर्द नहीं, सिर्फ एक दर्द बन के रह जाओगे। डॉक्टर साहब। हाँ जी। आपने ये हार क्यों मंगवाया था? भाई मैंने ये हार इसलिए मंगाया था कि अगर तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मुझे पहना देना, और अगर नहीं हुआ तो हम इनको पहना देंगे। यार मुझे नहीं पहना कोई हार। अरे समीर, क्या अरे मुझे जाने, मुझे छोड़ दे। समीर सैम, समीर मुझे, ये कैसा चोर है? ये तो समीर की आवाज है। अरे छोड़ना बुरा, मुझे नहीं देनी अपनी किडनी। ये क्या हो रहा है भाटिया साहब? ये लिव इन पार्टनर किडनी देने से मना कर रहा है यार। सॉरी गार्गी, मैं तुम्हें अपनी किडनी नहीं दे सकता। व्हाट? समीर मेरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। गार्गी तुम्हें अपनी किडनी दूंगा तो मेरी लग जाएगी यार, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अरे पर तूने तो पार्टी में बोला था मासी और तेरा साथ सात जन्मों का है। तूने मासी को दिल दिया है मौसा जी। अरे दिल दिया तो क्या, किडनी भी निकाल के दे दूं इसे? कल पैनक्रियास मांगेगी, परसों लिवर मांगेगी ये। इसलिए मैं अब इस लिव इन रिलेशनशिप को यहीं लीव करके यहां से जा रहा हूं। यू कांट गो लाइक दिस। तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते। कल मरती हो तो आज मर जाओ। समीर, निकल जाओ यहां से। जो जान देने की बात कर रहा था वही जान छुड़ा के भाग गया गार्गी। जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ वो तेरा कहां से होता? आज मैं अपनी नजरों में गिर गई, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, तुम तो बच गई। हाँ, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाती तो जरूर मरती। What the hell is this? तुम लोगों ने गार्गी के साथ इतना बड़ा तमाशा किया, समीर को उसकी जिंदगी से निकालने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। नानू, झूठ बोली तभी तो सच्चाई सामने आई।
भारती, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की मिस्टर आरके भाटिया। बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी एक बाप की यानी आपकी थी, मगर अफसोस ये फर्ज भी मुझे को निभाना पड़ा, एक माँ को निभाना पड़ा। आपको पता है एक कवि जब अपनी कविता लिखता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है, एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो भी उसके नीचे अपना नाम लिखता है। बस एक माँ ही है जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है और जन्म देते ही उसे बाप का नाम दे देती है। थैंक यू। यू नो आई एम सो हैप्पी। नानी की लाइफ के 3 बंदर सुधर गई, अब बस नानू रह गई है। वो कभी नहीं सुधरेंगे तुम्हारी हिंदी की तरह। ओ, हिंदी से याद आया, मॉम ने मेरे लिए एक इंडियन लड़की चूज कर ली। मॉम ने लड़की चूज कर ली और तुमने हाँ कर दी? या और मैं? तुम आना मेरी शादी में, मैं तुमको टिकट भेजेगी। तू मेरी शादी में नहीं आएगा कैसे चलेगी? क्या? हाँ, तेरे बिना मैं साथ फिर कैसे लेगी? सैमी, तू पूरी कबाब में हड्डी है क्या? सच्ची? मैं नानी को लेके अभी आती है। यस चुन्नी, तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड? अवार्ड? इंडियन विमेंस ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें अवार्ड दे रही है। व्हाट? ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल किसी एक ऐसी औरत को चुनती है जो किसी की प्रेरणा बनी हो, इंस्पिरेशन बनी हो। और भारती, आज तुम इस देश की हर औरत के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हो। इस उम्र में अपनी पहचान बनाकर तुमने लाखों औरतों को एक दिशा दी है, उनके लिए मिसाल कायम की है, और इसी बात के लिए तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। कंग्रेचुलेशंस। वाह नानी, सुपर्ब, आई एम सो एक्साइटेड। पूरा इंडिया देखेगा मेरी नानी को अवार्ड लेते हुए। सब कान्हा जी की कृपा है मन। चल मन, घर जाके तेरे नानू को ये खुशखबरी देते। वाह नानी, नानू ने तुझे इनवाइट नहीं की थी अपनी अवार्ड फंक्शन में, लेकिन तू। हां बेटा, हो सकता है कि तेरे नानू के लिए मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया। चल। यही प्रॉब्लम है भारत की हर एक भारतीय का। दुनिया की हर खुशी उन्हें अपने पति और परिवार के बिना अधूरी लगती है। चलो बेटा, चलो जाओ। सी यू सैमी। जाओ, ये लीजिए। आपको याद है ना आज शाम को फंक्शन है? किस बात का? अरे बाबा, मेरा अवार्ड फंक्शन है, मैंने पिछले हफ्ते तो बताया था ना आपको। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा, आई एम बिजी। सुनिए, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम मुझे क्यों बुलाना चाहती हो, यही बताने के लिए ना कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझसे कितना आगे निकल गई हो, सबके सामने तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती हो। करी हेल्प। के फंक्शन में आप ये साड़ी पहनिएगा। आप पर अच्छी लगेगी मॉम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा, चुप हो जाओ।
चुप हो जा बेटा। मन, तुम यहां क्यों आए हो? झक मारने। क्या? हाँ, आज तक तू झक मारती है ये नानू, आज मैं झक मारने आई है। मम्मी से बात करो, ये मत भूलो कि तुम अपने नाना से बात कर रहे हो। सॉरी नानू, आज यहां ग्रैंडसन अपने नानू से बात करने नहीं आई है, आज मैं तुमसे मैन टू मैन टॉक करने आई है। नानू, तू जिंदगी भर अपनी वाइफ को अपनी पैर की जूती समझती रही और आज वो औरत तुझसे आगे निकल गई तो तेरे मेल ईगो को ठेस पहुंच गई, जल गई तेरी जान। अरे नानी, तेरे जैसे 10 आरके को अपने जेब में रख सकती है पर आज भी तेरे कदमों में पिछी हुई है क्योंकि वो स्टूपिड औरत तुझसे प्यार करती है। और क्या बोली थी तू कि नानी ने तुझे 3 बच्चों का बाप बनाया, उतनी कॉन्ट्रीब्यूशन है नानी की तेरी लाइफ में? पर सच तो ये है कि तेरी कॉन्ट्रीब्यूशन नानी की लाइफ में उतनी है कि तूने उसको 3 बच्चों की मां बनाया। दैट्स ऑल। तू अपने आप को मर्द समझती है पर सच तो ये है कि जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। मन, अरे टू हेल विद मन। तू नानी को 40 साल से शून्य कहती रही पर सच तो यह है कि जिंदगी के गणित में नानी हमेशा 100 पे रहा और तू शून्य पे रहा। A bloody zero। So hold your breath, ladies and gentlemen, for the Women of Substance Award. Please welcome Mrs. Bharti Bhatia. Now, I would request the President of Indian Women's Organization, Mr. Rajiv Mehra, to hand over the award. Please. Ma'am, please, do shabd bolna chahenge aap? Thank you. Bahut bahut dhanyavaad. आज वुमेन्स डे के अवसर पर मुझे अवार्ड दिया गया। मैं भारती भाटिया, जन्मी पटना के एक छोटे से कस्बे में, सबसे बड़ी बेटी थी घर की। पढ़ाई की जिम्मेदारी के साथ चूल्हा चक्की और भाई बहनों की जिम्मेदारी सर पर। कॉलेज गई, आगे पढ़ना चाहती थी, डिग्री हासिल करना चाहती थी पर हाथ में लग गई मेहंदी और आगे जिम्मेदारियां और ससुराल की चाबियां। बेटी, बहन, पत्नी और फिर माँ। बच्चों के कल के लिए हर माँ की तरह मैंने भी अपना आज मिटा दिया। तीन बच्चे, पति की सफलता, घर को संभालते संभालते हाथों की मेहंदी कब बालों में आ गई पता ही नहीं चला। फिर एक दिन एक तूफान आया मेरे घर, मेरा नवासा मन, जिसने मेरा मन झिझोड़ दिया। बालों पर लगी मेहंदी जीवन का अंत नहीं, जीवन की शुरुआत भी हो सकती है, ये उसने मुझे सिखाया। आज मैं जहां खड़ी हूं वो इसकी समझ है, इसका एहसास है। मन जैसा एक बेटा, एक पति, एक भाई, एक पोता, एक नवासा हर घर में हो तो हर दिन वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मन। और मैं ये अवार्ड, ये ऑनर
उस शख्स के साथ बांटना चाहती हूँ जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मिस्टर आर के भाटिया, माय हस्बैंड। प्लीज स्टेज पे आइए ना। चाओ आर के, तुम्हारी वाइफ तुम्हें बुला रही है। प्लीज गो आर के, गो। कमाल है हमारे यहाँ की औरतें, हम चाहे उनके साथ जितनी बदसलूकी करें, ये अपने पति को इज्जत देने से नहीं चूकती। आज भारती ने ये अवार्ड मेरे साथ शेयर करके मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये औरत हमेशा हमारे रिश्ते को संजोती रही, खुद टूटती रही, पर हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया। पर मैंने इसकी कदर कभी नहीं की, हमेशा इसका अपमान ही किया। मुझे देखकर हमारे बच्चे भी भारती का अपमान करने लगे। आज मैंने रियलाइज किया है, अगर पति पत्नी को सम्मान नहीं देगा तो हमारे बच्चे, घर वाले, समाज वाले कभी हमारी पत्नियों को सम्मान नहीं देंगे। आज सबके सामने मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूं। भारती, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दो। के दिन आए थे और उसी दिन वापस जा रहे हो, कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी नानी का क्या होगा? अब नानू, तुझे नानी की फिक्र होने लगी है, दैट्स गुड। पर तुम इंडियन बुड्ढों का एक प्रॉब्लम है, तुम्हारी बीवियों को आई लव यू नहीं बोलती। बट डोंट वरी, वो सिखाने में नेक्स्ट टाइम आएगी। आऊंगा, राइट? या, राइट राइट राइट। चलो इसे एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं। चलो। नहीं, इसे एयरपोर्ट छोड़ने रिया जाएगी। God bless you, son. Nani. You guys. Bye, bye. एक बात कहूं भारती? जी कहिए ना। I love you very much. क्या कर रहे हो?